नमस्कार, रावगिरी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। कोरोना के इस मुश्किल दौर में हमारी कोशिश है संगीत से सकारात्मकता की तरफ बढ़ने की। इस दिशा में हम आपको आए दिन नए कलाकारों से मिलाते हैं, प्रतिष्ठित कलाकारों से मिलाते हैं और कलाकारों के जीवन परिचय के बारे में भी जानकारी देते हैं अपने YouTube चैनल पर। और आज जिस कलाकार से मैं आपको मिलाने जा रहा हूं, वो कलाकार बहुत कह सकते हैं क्रांतिकारी भी हैं, लेकिन उनकी कहानी बताने से पहले मैं बताता हूं कि मेरा उनसे परिचय किस तरीके से हुआ। यकीनन आप भी इस बात को मानेंगे कि इस लॉकडाउन के पीरियड में जो पिछले दिनों था, उसमें हम मोबाइल पर बहुत कुछ देख रहे थे, बहुत सारे वीडियोस देख रहे थे, और ऐसे में ही एक बहुत खूबसूरत प्रयास है हिंदी स्टूडियो, जो कविताओं का, गजलों का एक मंच है, वहां एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुनने को मिला और वो गीत था रात भर आपकी याद आती रही। ये गीत छाया गांगुली ने गाया था, जिन्होंने हिंदी फिल्मों में बहुत गिने चुने गाने गाए, और जयदेव साहब के संगीत में ये गाना था। और जयदेव साहब की ये खासियत थी, ये उनकी खूबी थी कि वो नए कलाकारों को बहुत मौका देते थे, और छाया गांगुली यूं तो शास्त्रीय गायिका थी लेकिन उन्हें भी उन्होंने मौका दिया था इस फिल्म में जिसका ये गाना है। और वो गाना था जो मैंने आपको, जिसका मैंने आपको जिक्र किया, रात भर आपकी याद आती रही, और वो कलाकार थी दीपाली सहाय। तो मैं स्वागत करूंगा दीपाली का अपने YouTube चैनल पर। नमस्कार, प्रणाम शिवेंद्र जी, थैंक यू सो मच मुझे रागगिरी के YouTube चैनल पर इनवाइट करने के लिए, मेरे इंटरव्यू के लिए। और आपने इतना सुंदर इंट्रोडक्शन दिया है मेरा, क्योंकि ये बात सच है कि उस गीत के पहले, आपकी याद आती रही रात भर के पहले और बाद में बहुत का फर्क हो गया मेरी पहचान में, मेरी आवाज़ में, और जो मेरा परसेप्शन था लोगों के अंदर मेरे, मुझे लेकर के, वो भी चेंज हो गया। तो यस, आई थैंक हिंदी स्टूडियो, क्योंकि उनकी वजह से मुझे ये मौका मिला, और एक बहुत ही इमोशनल गाना हो गया वो मेरे लिए, क्योंकि मैं कभी पहले गाते गाते रोई नहीं थी, और ये गाना सुनने के बाद जैसे आपने पसंद किया, वैसे कई लोगों के मुझे देश विदेश सभी जगह से मैसेजेस आए। सो थैंक यू सो मच, और क्योंकि आपने इस गाने की बात की ही है तो दो लाइन में जरूर गुनगुनाना चाहूंगा। रात भर दर्द की शम्मा जलती रही, रात भर दर्द की शम्मा जलती रही, गम की लौट रही, रात भर आपकी याद रही। क्या बात है। आप दीपाली, यहीं से शुरू करते हैं कि बिहार से आप आती हैं, और बिहार से जब आप निकली तो निकलने की कहानी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि आपने तो अपने आप पेरेंट्स को लगभग धमकी सी दे दी थी कि अब अगर मुझे नहीं भेजा रियलिटी शो में तो मैं भाग जाऊंगी। क्या कहानी है ये? हाँ, ये आपकी बात, आपका रिसर्च काफी तगड़ा है शिवेंद्र जी, ये सच है। एक्चुअली हुआ क्या कि जब आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, तब इंडियन आइडल 1 आया था, तो तब माँ बाप ने बोला कि अभी तो 10th के बोर्ड एग्जाम्स हैं, तो यू कैन नॉट पार्टिसिपेट। आई सेड फेयर इनफ, ठीक है, ये तो बनता है 10th पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना। इंडियन आइडल 2 के टाइम में 11th के एग्जाम्स थे तो मना कर दिया गया, इंडियन आइडल 3 के टाइम पे 12th के एग्जाम्स थे, तो मुझे लगा कि अब ये तो मतलब हद ही है। तो आई सेड के अगर तुम लोग नहीं लेके जा सकते हो तो कोई बात नहीं, हम खुद चले जाएंगे, हम घर से छोड़ के भाग जाते हैं, देख लेते हैं ऑडिशन कैसे क्या होगा। तो फिर माँ बाप को समझ आया कि इस साल ये नहीं मानेगी, और मेरा कॉलेज जो था पटना वुमेन्स कॉलेज, दे वर वेरी वेरी सपोर्टिव। आई रिमेम्बर के मुझे टीवी पर देखकर ये पता था कि जाते हैं सीधा जजेस के सामने जाके आप ऑडिशन दे देते, पर ऐसा होता नहीं है। आप जाते हैं, आप ऑलमोस्ट 3 से 4 से 5 राउंड्स आपको क्लियर करने होते हैं टिल यू रीच द जजेस, और उसमें टाइम जाता है, उसमें 2 से 3 दिन लग जाता है, और आप अपने शहर से बाहर जाते हैं, और बिहार में आपके लिए मतलब जब तक मैं थी तब तक तो कोई ऑडिशन नहीं होते थे। सो आई हैड टू गो टू कानपुर, और वहाँ पे 3 दिन एक्सटेंड हो गया, और जिस दिन मैं लौट के आई, फाइनली आई गॉट सिलेक्टेड, और जिस दिन लौट के आई वहाँ से स्टेशन से सीधा आई केम रनिंग टू माई कॉलेज, और आधा घंटा एग्जाम का शुरू हो चुका था, हम लोग के टेस्ट्स हो रहे थे, जो प्रैक्टिकल के टेस्ट्स होते हैं वो हो रहे थे, और उसके बाद वाइवा था।
बट द टीचर्स वर वेरी सपोर्टिव एंड दे वर वेरी हैप्पी कि मेरा सिलेक्शन हो गया है. सो एंड देन आई टॉप्ड द कॉलेज एग्जाम्स, मेरा 12th का जो था. तो मेरे लिए ओवरऑल बहुत ही अच्छा, वो धमकी देना मेरे लिए अच्छा एक्सपीरियंस रहा. अच्छा दीपाली, ऑन अ सीरियस नोट, ये आत्मविश्वास कहाँ से आया था कि आप जाएंगे रियलिटी शोज में जिसमें कई हजार लोग आते हैं और उसमें से बहुत चुनिंदा लोग आगे आ पाते हैं, बहुत चुनिंदा लोग उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं जहां तक आप पहुंची हैं, तो वो आत्मविश्वास कहां से आया था, क्या चीज थी, क्या संगीत की तालीम इतनी थी या संगीत का शौक इतना था या संगीत का जुनून इतना था, आप बताइए. एक्चुअली पता है शिवेंद्र, बहुत अच्छा सवाल है ये, किसी ने पूछा नहीं कभी मुझसे कि इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया. आई थिंक वो जो एज होता है 16-17, दैट एज इन इटसेल्फ इज, यू नो, पीपल हूएवर इट इज, दे आर, इफ दे बिलीव इन देमसेल्फ, वो अपने अपने में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं. वो एज ही ऐसा होता है. आप गलत भी कर रहे होंगे तो आपकी नज़र में अगर वो सही है तो उस एज में वो बिल्कुल सही लगता है और बहुत कॉन्फिडेंस से आप आगे बढ़ते हैं. तो संगीत की तालीम मेरी बिल्कुल वैसे नॉर्मल लोगों की तरह थी, लेकिन कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बहुत ज़्यादा इसलिए था क्योंकि मेरे माँ बाप बहुत मेहनत करते थे मुझे हर सिंगिंग कॉम्पिटिशन में लेकर जाना. और आप जब छोटे लेवल पे गाते हैं, परफॉर्म करते हैं और वहाँ पे जब रिस्पॉन्स मिलता है तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होता है. मेरे स्कूल माउंट कामल में मैं पढ़ी हूँ, मेरे स्कूल का बहुत बड़ा हाथ है इसमें. आई वॉज द स्कूल लीडर और हर कल्चरल इवेंट को मैं खुद, यू नो, आई यूज टू क्रिएट एंड वर्क फॉर इट बहुत ज़्यादा. मतलब अगर 50 सीक्वेंसेस हैं तो उसमें से लगभग 40 में मुझे परफॉर्म करना होता था. तो आई थिंक बचपन से आपकी तालीम अगर सही हो तो दैट हेल्प्स अ लॉट. और मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेरे स्कूल की वजह से प्राइमरीली हुआ और उसके बाद आगे मेरे माता पिता ने इतने कॉम्पिटिशन्स में मुझे पार्टिसिपेट करवाया. एंड देन आई थिंक इट्स ऑल अबाउट योर फेट. मेरी किस्मत मेरे टैलेंट और मेरे कॉन्फिडेंस से भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरी नहीं, किसी की भी. और आई थिंक मेरा मेरे किस्मत का सिक्का चल गया वहाँ. तालीम के बारे में बात हुई अभी हमारी आपकी, लेकिन तालीम के बारे में संगीत की थोड़ा और विस्तार से जानना चाहूँगा दीपाली. क्या आपको, आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ली बचपन में या उसके बाद स्कूल के दिनों में संगीत की, और अगर ली तो आपके गुरु कौन रहे, और उसके अलावा किस तरह से ये जो बिहार में एक ऐसे परिवार में पैदा होना जहां संगीत का कोई बहुत सीधा रिश्ता नहीं है, वहां से आकर संगीत की तालीम, परंपरागत तालीम लेना, कैसे शुरू हुआ वो सफर? तो हुआ ये शिवेंद्र के, मैं स्कूल में, मेरा एडमिशन हुआ था माउंट कामल में और केजी में हमें एक किंडरगार्टन में हमें एक भजन सिखाया गया, ए मालिक तेरे बंदे हम. और मैं घर आई, घर पे बैठ के मेरी माँ सो गई थी अपने कमरे में और मैं हाथ जोड़ के आँख बंद करके गाना गा रही थी. आई वॉज प्रैक्टिसिंग दैट सॉन्ग. और क्योंकि दूर से धीरे धीरे आवाज़ आ रही थी तो मेरी माँ रेडियो बहुत सुनती थी, तो मेरी माँ को नींद में लगा कि शायद रेडियो ऑन छूट गया है. तो जब उसने नज़र उठा के देखा तो देखा पीछे उसकी छोटी सी बेटी यानी कि मैं बैठ के ये गाना गा रही थी. तो माई मदर कुडंट बिलीव इट. पहली बार तो उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि इस ये 3 साल की बच्ची के अंदर से ऐसी आवाज़ आ रही है. पर वहाँ शी रियलाइज्ड के इसको गाना आता है, इसके अंदर सुर है, जो अपेरेंटली मेरे घर में बहुत ज़्यादा सबके अंदर नहीं था. और म्यूज़िक की तालीम भी ली जाती है ये भी पता नहीं था. तो जब स्कूल में धीरे धीरे आई स्टार्टेड ग्रोइंग अप, तो वहाँ से मेरी डायरी में वो नोट्स टीचर्स लिख के भेजते हैं ना, उसमें भी लिख के आता था कि इसको प्लीज़ आप प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवाइए गाने की. और इसको बहुत दिनों तक सीरियसली नहीं लिया गया टिल आई रीच्ड लाइक 2nd और 3rd क्लास में जब मैं गई, तो फिर मेरी टीचर ने पकड़ के, क्लास टीचर ने मेरी माँ को बोला कि इसको प्लीज़ आप गाना सिखाइए क्योंकि ये बहुत ही अच्छा गाती है और बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के देन शी विल नॉट ग्रो. दैट्स हाउ आई स्टार्टेड लर्निंग म्यूज़िक. और मेरे गुरु हैं शिवशीष मुखर्जी जी, उन्होंने मुझे सिखाया. मैं उनके पास सीखी कुछ 5 साल से भी ज़्यादा, 5-5.5 साल मैंने सीखा. और बहुत लेट एक्चुअली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए बीच में, बहुत सारे गुरु आए, पर किसी के साथ मुझे ना, मुझे कभी प्रॉब्लम होती थी कभी उन्हें होती थी, तो तालमेल बैठा नहीं. सो असल मायने में मैंने शिवशीष सर से ही सीखा गाना. और 5-5.5 साल तक, जब तक 5th ईयर मैंने पूरा किया और इधर इंडियन आइडल हो गया,
तो मेरी तालीम का बहुत बड़ा हाथ इसलिए है क्योंकि क्लासिकल ट्रेनिंग मेरी चल रही थी और पैरेलली मेरी माँ लता जी को और आशा जी को बहुत सुनती थी, तो मेरे पास एक 2-in-1 खरीदा के आया था मेरे लिए, उसमें कैसेट बजा के और वो 2 रुपए में गाना रिकॉर्ड होता था कैसेट में, तो जितने गाने होते थे जैसे रंगोली पे आ रहा है या चित्रहार पे आ रहा है तो वो गानों का लिस्ट बनाकर मेरी माँ हमेशा उसको किसी को पैसे देकर वो गाने कैसेट में रिकॉर्ड करवाती थी एंड दैट्स हाउ आई यूज्ड टू लर्न। तो मेरे गाने की शिक्षा जो है वो पूरी तरह से बिहार, और आप सही कह रहे हैं क्योंकि बिहार में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी उस वक्त बहुत ज़्यादा थी, आज थैंकफुली उतनी ज़्यादा नहीं है, पर मेरे पिताजी पुलिस में है तो घर का माहौल जो था वो बड़ा स्ट्रिक्ट सा और बहुत पुलिसिया माहौल था, उसमें संगीत धीरे 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 बहुत धीरे अपनी जगह बना पाया। अच्छा, अब आते हैं स्कूल के दिनों की बात पर। ये जब आप गाना गाती रही होंगी, जाहिर सी बात है स्कूल में दोस्तें होंगी, टीचर्स होंगे जिनको पता चलता होगा कि दीपाली बहुत अच्छा गाना गाती हैं, तो इसको किस तरह से लिया जाता था? पॉजिटिव वे में लोग लेते थे, टीचर्स पॉजिटिव वे में लेते थे, परिवार वाले, पड़ोस वाले, या फिर कभी ताना भी सुनने को मिला कि ये बेटी क्या सीख रही है, इन चीजों का तो कोई बहुत ज्यादा मतलब अवसर तो है लेकिन शायद जिस प्रदेश से आप आती हैं वहां इस तरह की चीजों को लेकर बहुत कंजर्वेटिव माइंड भी हो सकता था, तो आपके लिए क्या कुछ रहा, आपने किस तरह की परिस्थितियों का सामना किया? बहुत अच्छा सवाल है शिवेंद्र, आपके सवाल बहुत अच्छे हैं। तो जैसा कि आपने पूछा, मैंने अभी पहले भी बताया कि स्कूल में ऑब्वियसली बहुत बहुत इज्जत थी मेरे इस टैलेंट की एंड आई वॉज मल्टी टैलेंटेड। सिर्फ गाना ही नहीं, डांस करने की ज़रूरत हो तो डांस भी हो जाएगा, एक्टिंग की ज़रूरत हो एक्टिंग भी हो जाएगा। तो पहले से ही समझ आ गया था कि मेरा लाइन जो है वो पढ़ाई लिखाई से थोड़ा हट कर है, थोड़ा अलग है। आई वॉज वेरी कीन ऑन ऑब्वियसली जर्नलिज्म, और शुरू में मुझे UPSC का भी था, मुझे लगता था कि मैं IPS बनूंगी एंड आई विल बी एन ऑनेस्ट IPS ऑफिसर, सो आई विल स्टडी हार्ड और ये सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। एक वो एज में आपको लगता है कि आप जो करें वो लेवल बेस्ट हो, सो आई स्टिल बिलीव इन दैट। तो वो उस समय बहुत पराकाष्ठा पर था, तो स्कूल में मुझे बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता था। क्यों? उसकी 2 वजह है। पहला कि हमारा स्कूल वॉज वेरी एक्टिव इन द कल्चरल एक्टिविटीज़ ऑफ स्टेट, नॉट जस्ट द सिटी, पूरे बिहार स्टेट में कहीं भी कल्चरल एक्टिविटी होता था तो माउंट कामल का नाम बहुत आगे होता था। हम लोग हमेशा हर कंपटीशन में हमारी एंट्री होती ही थी एंड फॉर्चुनेटली मेरे पहले के बैचेस से भी प्राइज हमारे यहाँ ज़रूर आता था। तो पहला तो वो वजह था, और दूसरी वजह ये थी कि हम लोग गर्ल्स स्कूल थे, तो जब गर्ल्स स्कूल में आप पढ़ते हैं तो बिहार जैसे जगह पर जनरली क्या होता है कि लड़के हैं देख रहे हैं, कोई लड़का कुछ बोल रहा है, कोई लड़का कैसे बात कर रहा है, कभी घर पे कोई पहुंच गया लड़का पीछा कर रहा है, ये सारी चीज़ें गर्ल्स स्कूल में होने की वजह से मुझे कभी एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ा। हाँ, अगर मैं लड़कों के साथ पली बड़ी होती, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा सब जगह होता है या को एजुकेशन में ऐसा ही होता है, पर बिहार में जिस वक्त की बात मैं कर रही हूँ इस वक्त माहौल ऐसा ही था, लड़कियाँ डरती थीं लड़कों से बात करने में और लड़के के लिए भी इतना कॉमन नहीं था लड़की से बात करना। तो वैसे में अगर लड़की बहुत आउटशाइन कर रही है, बहुत टैलेंटेड है, शी इज़ यू नो आउट देयर एवरीवेयर, तो ये डर होता था कि कहीं ये लड़का पीछे नहीं आ जाए और इस तरह का प्रेशर समाज से बनता था। फॉर्चुनेटली मेरा गर्ल्स स्कूल था इसलिए ये प्रेशर नहीं था। और दूसरी तरफ मेरे परिवार में, फॉर्चुनेटली मेरे परिवार में कोई भी इस सोच का नहीं था, यहाँ तक कि मेरे दादाजी भी इस सोच के नहीं थे कि ये इसको नहीं करने देना चाहिए। एक्चुअली दे वर वेरी इनडिफरेंट, दे वर वेरी हैप्पी जो हो रहा है उससे, और इसके लिए बहुत प्रोत्साहित भी नहीं करते थे और हतोत्साहित भी नहीं करते थे, बिल्कुल नॉर्मल न्यूट्रल थे वो लोग। मेरी माँ सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी इसके लिए, लेकिन मेरी माँ को कभी किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं दिया गया कि ये नहीं करवाइए इससे। बाहर के जो दूर दराज के लोग होते हैं, अड़ोस पड़ोस के, वो कहते थे, पर उससे मेरी माँ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो आई एम रेज्ड बाई अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन दैट वे, क्योंकि जब बिहार में लड़कियाँ बहुत अनसेफ थी उस वक्त मेरी माँ हम दोनों को साइकिल से स्कूल भेजती थी, मुझे गाड़ी चलाना सिखाया गया, मुझे हर वो काम अकेले करो, जाओ जो करना है अकेले करो। सो आई थिंक अपब्रिंगिंग का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बिहार में होने के बावजूद अगर आपकी सोच ऐसी हो जैसी मेरी माँ की थी तो आई थिंक देन देयर इज़ नो स्टॉपिंग, फिर आपको कुछ भी नहीं रोक सकता। और आप तो बाकायदा जो भोजपुरी संगीत है उसके लिए एक तरीके से आपने बड़ी मुहिम छेड़ रखी है,
और चूंकि मेरी भी माँ बिहार से है, मैं खुद बनारस से हूँ, इलाहाबाद में पढ़ाई लिखाई हुई है, तो वो जो भाषाई संस्कार कहने चाहिए, जो भोजपुरी हम जिसको कहते हैं, वो मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में भी आती है। क्या वाकई ये बात आपको समझ में आती है कि भोजपुरी संगीत का मतलब जो एक फुहड़ता से जोड़कर देखा जाता था, उसमें बहुत सिंसियरली और बहुत सीरियसली काम करने की जरूरत है, और आप जो काम कर रही हैं उसमें आपको क्या लगता है कि कितनी सफलता मिल पाई है या अभी मंजिल कितनी दूर है? शिवेंद्र, ये सवाल सुनकर मैं एक्चुअली इमोशनल हो गई, क्योंकि हुआ क्या कि कुछ 4-5 दिन पहले आई स्टार्टेड रीडिंग द भोजपुरी साहित्य लिटरेचर, और उसमें बिंदिया करके एक नॉवेल है, उसमें एक इंट्रोडक्शन में एक लाइन है कि भोजपुरी का वृक्ष अभी उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है कि उसकी छांव में हम सब जो लोग हैं वो बैठ सकें, और ये 50s में लिखा हुआ नॉवेल है, और उसमें वो ये लिखते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे जाकर ये एक दिन आएगा जब ये वृक्ष इतना स्ट्रांग हो जाएगा जिसकी छांव में हम सब बैठ सकें, पर अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं हुआ। और मैं इमोशनल इतनी क्यों हो जाती हूँ मुझे पता नहीं। आई नेवर पेड अटेंशन टू माई मदर टंग, और हमेशा से बिहार में रहने की वजह से कल्चर ये था कि अंग्रेज़ी सीखो, क्योंकि बाहर जाके अंग्रेज़ी में बात करनी है, और हिंदी तो अपनी अब हिंदी ही भाषा थी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, इन चीज़ों का कोई लेना देना नहीं था। पर जब मैं बड़ी होने लगी और सिंगर बन गई, तो जब भोजपुरी गानों के ऑफर्स आए तो मेरे माता पिता भी कहते थे कि मत गाओ बेटा, भोजपुरी मत गाओ प्लीज़, क्योंकि उसमें अश्लील गाने ही बनते हैं, उसका एक स्टैंडर्ड सेट हो गया कि अश्लीलता ही होगी। एक दिन अचानक से मैंने एक गाना सुना भोजपुरी में जिसको आशा जी ने गाया था, और दूसरा फिर गाना सुना जिसको मन्ना डा ने गाया था, तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये भोजपुरी फिल्म के गाने, मुझे लगा ये हिंदी फिल्म में ये गाने प्लेस किए गए होंगे भोजपुरी भाषा में। और तब मुझे लगा कि ये क्यों मैंने अभी तक नहीं सुना था। फिर मैंने अपनी माँ को सवाल किया कि ऐसा क्या हुआ कि यू नेवर गॉट मी इंट्रोड्यूस टू दीज सॉन्ग्स। और फॉर्चुनेटली इंडियन आइडल के 1-2 साल के अंदर मैंने एक्टिंग की शुरुआत की, और मेरा एक्टिंग जो हुआ वो भी पहली बार भोजपुरी सीरियल में मैं एज अ लीड आई, बड़की मलकाइन में। तो वहाँ से मेरी भाषा में, अपनी खुद की भाषा में इंटरेस्ट जागने लगा, और फिर ये गाने सुनने लगी। लेकिन तब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं आया था कि मैं पब्लिकली खड़े होकर कह सकूँ कि आई वॉन्ट टू सिंग इन भोजपुरी, बिकॉज वो शर्म की बात होती थी। अभी भी बहुत सारी ऐसी धारणाएं हैं कि भोजपुरी मतलब अश्लील ही होगा, बट देन अलॉन्ग द वे मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर इस चीज़ को मैं नहीं बताऊँगी लोगों को, क्योंकि ये मेरी भाषा है, अगर मैं नहीं बताऊंगी कि इसमें सिर्फ अश्लीलता नहीं है, अश्लीलता एक पहलू है, हिंदी सिनेमा में भी बहुत अश्लील चीज़ों को बेच करके और फिर हिंदी सिनेमा को हिट किया जाता है, हर इंडस्ट्री के में अश्लील और अश्लील दोनों काम होते हैं, भोजपुरी को बिल्कुल टैग कर देना कि वो अश्लील है या उसका तो इतिहास ही ऐसा रहा होगा, इस मान्यता को अगर बदलना है तो मुझे स्वयं इसके लिए उतरना पड़ेगा इस काम में। और आपने सही कहा, एक मुहिम ही छेड़ी है मैंने कि मैं चाहती हूँ कि मेरे जनरेशन के जो लोग हैं, जो लड़कियाँ मेरे साथ पढ़ी लिखी हैं, जो लड़के मेरे उम्र के हैं, अगर वो मुझे भोजपुरी में बोलते सुनेंगे, मुझे भोजपुरी में गाते सुनेंगे, तो उन्हें डेफिनेटली लगेगा कि हमें इससे बचने की ज़रूरत नहीं है, इससे शर्माने की ज़रूरत नहीं है, इसका एक ये पहलू, इसका एक ये अंदाज़े बयान भी हो सकता है, एंड दैट्स वाई आई टुक अप टू भोजपुरी। और पढ़ते पढ़ते मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितना कुछ है भोजपुरी में बताने को, सुनाने को, सिखाने को। अभी तो मैंने सीखने की शुरुआत की है, मैं डेफिनेटली इस मुहिम का हिस्सा हूँ, और मैं बस ये कोशिश कर रही हूँ कि जैसे मेरे पहले लोगों ने कोशिश की है, मेरे बाद भी लोग कोशिश करें, इस भाषा को 8वीं सूची में लाने की कोशिश करें, इस भाषा पे और जोर डालने की कोशिश करें, और अपनी भाषा को नितना त्यागे, क्योंकि हम छोड़ देंगे तो ये आगे कभी नहीं बढ़ेगा। भोजपुरी गानों की बात चल रही है दीपाली, तो अगर आपसे भोजपुरी गाने ना सुने एक दो, तो मतलब फिर ये इंटरव्यू अधूरा है। तो कुछ गाने भोजपुरी जो आपको पसंद हो, आपके गाए हुए हो या किसी और कलाकार के भी गाए हुए हो, लेकिन आप जरूर सुनाइए। हंसी हंसी पनवा
ये अपना बसरे परदेस कोरी रे चुनरिया में दगिया लगाई गईले मारे रे कर जवा में ठेस कजरी नजरिया से खेले रे बदरिया कजरी नजरिया से खेले रे बदरिया के बरसे रकतवा कनीर सर्दी के मारे छाई जरदी चनर मापे गरदी मिलले तक दीर हो हसे हसे पनावा खियावले बे मनावा के अपना बसरे पर। दीपाली, जितना मैंने आपको पढ़ा या जितना आपके बारे में सुना, आप गाना गाती हैं, आप एक्टिंग करती हैं, आप एंकरिंग करती हैं और आपने डायरेक्शन का कोर्स किया है, तो ये जो बहुआयामी एक व्यक्तित्व है आपका, इसमें कौन सी चीज है जो दिल के सबसे ज्यादा करीब है? क्या गायन सबसे ज्यादा पसंद है, एक्टिंग सबसे ज्यादा पसंद है, दीपाली सहाय के दिल के करीब सबसे ज्यादा क्या है? ये सवाल मुझसे बहुत बार पूछा गया है और वेरी ऑनेस्टली मेरे सबसे दिल के करीब गायन ही है। मुझे गाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, पर ये कहते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे एक्टिंग में या डायरेक्शन में या एंकरिंग में कम मज़ा आता है। गाने में कुछ एक अलग बात है। गाने में एक्चुअली गाने में देखा जाए तो आई फील अ लॉट ऑफ या गाने में अगर देखा जाए तो आई विल से कि मुझे बहुत सुकून बहुत शांति मिलती है। मज़ा तो चारों चीज़ों को करने में आता है, लेकिन गाना ही एक ऐसा है जिससे मुझे लगता है कि मुझे बहुत शांति बहुत सुकून और बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है टू एक्सप्रेस समवन एल्सेस लाइंस और किसी दूसरे के धुन को आप यू नो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू सिंग और सिर्फ अपनी आवाज़ से सिर्फ अपने अंदाज से अगर आप सामने वाले को मोह लें, मुझे बहुत चार्मिंग लगता है एंड थैंकफुली आई एम ब्लेस्ड विद दैट वॉइस और बाकी चार्म है कि नहीं वो तो ऑडियंस डिसाइड करे। अच्छा दीपाली, मैं जब भी आपके जैसे यंग आर्टिस्ट से बात करता हूँ मेरी एक क्यूरियोसिटी जरूर होती है, जो शायद इस देश में जितने बच्चे संगीत सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं या कोई भी आर्ट फॉर्म सीख रहे हैं, परफॉर्मिंग आर्ट सीख रहे हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है कि वो जो बैलेंस जरूरी है पढ़ाई में और उनकी कला में, उसकी दोनों की जो साधना है, पढ़ाई भी जरूरी है और कला भी जरूरी है, वो बैलेंस कैसे बनाना चाहिए और आपने क्या किया था, और आप अगर आज टिप्स देने की स्थिति में हो बच्चों को तो आप क्या कहेंगी बच्चों से? मैं बिल्कुल टिप्स देने की स्थिति में हूँ क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू द सेम इमोशंस व्हिच द किड्स आर गोइंग टुडे और मैं आजकल के बच्चों से दो बात कहना चाहूँगी। पढ़ाई पे फोकस पूरा रखिए क्योंकि पढ़ाई आपको क्या देता है इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं। इसको आप आंकने की कोशिश मत करिए कि इससे क्या फ़ायदा है, डेली यूज डेली लाइफ में तो कोई यूज़ नहीं होता है। बिकॉज आई नेवर यूज टू रिएक्ट द सेम वे, बट आई यूज टू सी अदर चिल्ड्रन रिएक्ट जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व थे। तो पढ़ाई से कभी किसी का बुरा तो हुआ नहीं है। तो आपको अगर अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अपने टैलेंट को निखारना है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपका जो ये बेस है ना पढ़ाई का, इसको बना के रखिए क्योंकि फ्यूचर में आप आर्टिस्ट बनते हैं अगर, तो आर्टिस्ट के साथ बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। आप यू नो ये देखने में बड़ा सुंदर लगता है कि मैं आर्टिस्ट बन जाऊँगी या मैं गाना गाऊँगा मैं एक्टिंग करूँगा, पर इसमें बहुत स्ट्रगल है एंड इफ़ यू डोंट हैव अ बेस ऑफ स्टडीज़। तो अगर कल को जैसे आज कोरोना काल में बहुत मुश्किल है आर्टिस्ट्स के लिए सर्वाइव करना, बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो मुंबई छोड़कर वापस जा चुके हैं, तो उसमें आपको एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना पड़ेगा जिसके लिए पढ़ाई आपको हेल्प करेगी।
पर भगवान ना करे कि आपको ऐसी जरूरत हो। भगवान की दया से हम लोग अभी उस स्थिति में हैं जहाँ पर हमें ऐसी कोई भी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आपको अपने टैलेंट पे काम करना है तो प्लीज़ मेक श्योर कि यू आर रियली गुड, और ये आपको बताएंगे आपके गुरु, आपके टीचर्स, आपके दोस्त नहीं, क्योंकि दोस्तों के बीच में आपके ही लेवल की अंडरस्टैंडिंग होगी, आप ही के एज के होंगे वो। तो अपने दोस्तों से इसको कंफर्म मत करिए। किसी भी तरह का टैलेंट है तो जो उस फील्ड का आपके शहर में एक्सपर्ट है उनके पास जाइए, उनसे पूछिए कि आपके अंदर क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कितनी कमी है, कितना स्कोप है। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो बड़े शहर पहुंच जाते हैं सिर्फ इस दम पे क्योंकि उनको 10 लोगों ने कह दिया कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, एंड जेन्युइनली वो बहुत खराब गाते हैं। खराब से मेरा मतलब उनके सुर नहीं लगते और उनको ऐसा लगता है कि इतना गा लेना ही बड़ी बात होती है, स्टूडियो में तो कोई भी गा लेता है, एक्टर्स भी आजकल गाना गाते हैं। प्लीज़ इस धारणा में मत रहिए, आप अपने टैलेंट को खुद से क्रिटिकली एनालाइज करिए कि आप कितने अच्छे हैं, और अगर आपको लगता है कि आप जेन्युइनली बहुत अच्छे हैं देन प्लीज़ गो टू एन एक्सपर्ट और एक क्रॉस डबल ओपिनियन लीजिए। जैसे कहते हैं ना, डॉक्टर को हम लोग हमेशा 3-4 ओपिनियंस लेते हैं डॉक्टर्स में, लाइफ को भी इतना ही सीरियसली लीजिए। बस यूं ही नहीं कि बैठे और सोच लिया कि मैं तो गाता हूँ तो अब चलो मुंबई, ऐसा मत करिए। माँ बाप के बहुत सारे बहुत मेहनत खर्च होता है, बहुत पैसा खर्च होता है माँ बाप का, तो उसको आप बहुत रिस्पॉन्सिबली, अगर आप 15-16 साल के हैं तो अब आप बहुत समझदार हैं, आप रिस्पॉन्सिबली उसको उस पैसे को, माँ बाप के पैसे को भी खर्च करिए और ठोक पीट के जाइए। और जब जाइए, जब उतरिए तो इतना सही होकर उतरिए कि आपको वापस आने की गुंजाइश नहीं देखनी पड़े। ऐसा नहीं कहूँगी कि सिर्फ नॉन टैलेंटेड लोग वापस आते हैं, बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं, उस दूसरी परिस्थिति में आपकी पढ़ाई आपको हेल्प करती है। तो आप दोनों तरह से अपने आप को पूरी तरह तैयार करिए कि कहीं से भी फेलियर का चांस नहीं हो, पर अपने टैलेंट को प्लीज़ बिफोर यू स्टार्ट इवन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, आप प्लीज़ एक्सपर्ट्स की शरण में जाइए और उनसे पूछिए कि आप क्या जेन्युइनली अच्छे हैं, क्या आपके अंदर वो बात है कि आपको निखारा भी जा सके, या आप क्या है कि एक्टिंग हो या किसी भी प्रकार का कला हो, की कला हो, आप उसको लेके जन्मते हैं, आपके अंदर वो हमेशा से पहले से ही होता है, आप उसको सिर्फ निखार सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो उसको निखारने के पहले आप कन्फर्म कर लीजिए कि आपके अंदर है, एंड देन गो अहेड। और आपने तो FTII से भी पढ़ाई की है, वो भी एक मतलब बहुत सारे, मैं कह सकता हूं कि हजारों लोगों का सपना होता है पुणे के इंस्टीट्यूट जाकर वहां से पढ़ाई करना, लेकिन वो भी आपने पढ़ाई की है। तो ये जो एक विजन बढ़ता है इस तरह का, कलाओं के जो इंटर रिलेशंस होते हैं, जो कलाओं में अंतर संबंध होते हैं, यानी आप बहुत अच्छे, अगर आपको उर्दू अच्छी समझ में आती है तो कहते हैं आप गजल अच्छी गा सकते हैं, अगर आप अच्छे अभिनेता हैं तो आपको बहुत सारी चीजें डायरेक्शन में मदद मिलती है, तो इस तरह की कलाओं के अंतर संबंध पर आप क्या राय रखती हैं? बहुत सही कह रहे हैं आप शिवेंद्र। एक्चुअली जब मैं FTII गई थी तो मेरे FTII जाने का रीजन ही ये था क्योंकि मैं सेट पर एक्टिंग करती थी और मैं बहुत सारे डेली सोप्स करती थी, और मुझे एज एन एक्टर ऐसा लगता था कि बहुत सारे इनपुट्स हैं जो मुझे देने का मन है, लेकिन मैं सिर्फ वो कर सकती हूँ जो डायरेक्टर चाहते हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि ये जो कहानी है या ये जो सीन है, इसका एक अंडरलाइन एक मैसेज है जो मुझे एज एन एक्टर दिखाने की इच्छा होती थी, पर वो उसका परमिशन मुझे नहीं मिलता था क्योंकि डायरेक्टर हो सकता है कि उसको अलग ढंग से परसीव कर रहा था। तो FTII जाने का मकसद ही मेरा ये था कि मैं डायरेक्शन सीखूं और मैं अपनी एक फिल्म बनाऊं जिसमें मैं एक्टर्स को भी वो छूट दूं जो मुझे महसूस होती है बंधने पर, और मैं एज अ डायरेक्टर अलग अलग परसेप्शन को अपनी कहानी में जगह दे सकूं। सच बताऊं तो इसकी अंडरस्टैंडिंग उस वक्त नहीं थी जिस वक्त मैं FTII में थी, पर धीरे 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 ऑब्वियसली वहाँ का माहौल जो है वो मैजिकल है और वहाँ की संगति मैजिकल है, तो धीरे धीरे विथ टाइम मुझे ये समझ आने लगा कि ये जो इंटर रिलेशन की बात कर रहे हैं आप कलाओं में, ये बहुत ही सत्य, बहुत गहन सत्य है। एंड वेन वी लुक एट, मेरे आइडल हैं किशोर कुमार साहब, अगर हम टैलेंट की बात करें तो मेरे हिसाब से उनसे ऊपर कोई नहीं है, मेरे हिसाब से, बिकॉज ही वॉज अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट एक्टर। आई थिंक ही वॉज दी मोस्ट ब्यूटिफुल सिंगर आई एवर हर्ड, और वो डायरेक्टर भी थे, वो कंपोजर, वो लिखते भी थे,
तो अगर एक इंसान के अंदर किसी भी कला को समझने की हल्की सी भी दैवीय समझ है, उसके अंदर अगर ये ग्रेस है, उसके अंदर ये अगर आशीर्वाद है, तो ये सब देखेंगे आपकी जुड़ा हुआ है। जैसे संस्कृत में हम बचपन में ही पढ़ते थे, जब संगीत की शिक्षा ले रहे थे, तो गीतम वादम नृत्यम च संगीत मुच्यते, ये हम बचपन में ही जानते थे कि गीत वाद्य और संगीत तीनों का जब मिलन होता है तो फिर वो एक पूरा रूप लेता है संगीत का, गीत वाद्य और नृत्य। तो मुझे लगता है ये सारे तीनों फॉर्म जो है आप मिला लीजिए, तो इसमें नृत्य में बहुत भावभंगिमाएं हैं, वो भी एक आर्ट फॉर्म है जिसमें आपको एक्टिंग करनी पड़ती है। जब आप गाना गाते हैं तो आपको स्टूडियो में अगर रोमांटिक गाना है तो रोमांटिक फील करना है, सैड सॉन्ग है तो सैड फील करना है, अपनी आवाज़ के थ्रू, दिमाग में नहीं, आपका जो कला है उसको यूज़ करके आपको वो इमोशन अगर निखारना है या बताना है, तो इसका मतलब कि आप अगर एक अच्छे सिंगर हैं तो आप उतने ही बेहतरीन एक्टर भी हैं, क्योंकि आप एक्टिंग तो ऑन स्क्रीन नहीं कर रहे हैं, पर आपकी आवाज़ में जो दुख है वो एक्टर के चेहरे पर और दुख लेकर आता है। या फिर अगर आप एक अच्छे एक्टर हैं और अगर आपको रिदम का समझ नहीं है तो आप डांस नहीं कर पाएंगे उस बीट पर। अगर आप एक अच्छे एक्टर हैं और आपको सही लिप सिंक नहीं आती है, तो अगर मैं हरकत ले रही हूँ तो आप एक फेक एक्शन भी कर सकते हैं। सो आई थिंक ऑल द फॉर्म्स, आर्ट फॉर्म्स आर इंटर रिलेटेड। नहीं होगा तो ये जो पूरा का पूरा हम जो एंटरटेनमेंट है हमारी लाइफ में, ये किसी एक के दम पर पॉसिबल नहीं है। मैं ऐसे ही गाती हूँ, अभी मैंने गाया है, और अगर यहाँ पर पीछे अभी मेरे साथ सिंपल हारमोनियम और तबला भी होता तो ये अलग सुनाई देता। तो आई थिंक ऑल द आर्ट फॉर्म्स आर इंटरकनेक्टेड, और मेरे लिए ये बहुत आसान है टू रिलेट, को रिलेट विद एवरीथिंग आई डू। मेरी किस्मत अच्छी है, मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद है सबका, क्योंकि गाना भी गाने को मिलता है, मैं एंकरिंग भी करती हूँ, मैं एक्टिंग भी करती हूँ, मुझे FTI में भी जाने का मौका मिला है, डायरेक्शन मैंने कुछ अपनी फिल्में भी बनाई हैं, मैंने म्यूजिक वीडियोज़ डायरेक्ट किए हैं, तो एवरीथिंग इज़ हेल्पिंग मी फॉर एवरीथिंग आई डू। दिवाली, इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, कुछ गाने जो बचपन में आप गुनगुनाती रही हो, और खास तौर पर अगर उसकी शुरुआत आप उस गाने से करें जिस गाने की वजह से रियलिटी शोज में आपकी धूम मच गई और आप रातों रात बहुत एक नोन फेस हो गई टीवी की, रियलिटी शोज की दुनिया का, मेरा पिया घर आया, तो उससे शुरू करके और कुछ और जो चंद आपके गाने जो आपके दिल के करीब हो वो भी सुनाइए। वाओ, आई लव योर रिसर्च वर्क। यस, मेरा कंगना खन के खन खन, मेरा निकला जाए दम दम, दीवानी मैं दीवानी शर्म को छोड़ दूंगी, मैं अब नाचूंगी इतना कि घुंघरू तोड़ दूंगी, नजर का वार होगा, जिगर के पार होगा, मेरी आंखों के आगे मेरा दिलदार होगा, मेरा कंगना खन के खन खन, मेरा निकला जाए दम दम, लाया बारात लाया, घूमटा उठाने आया, अपना बनाने आया हो, चंदा भी साथ लाया, तारे भी साथ लाया, पागल बनाने आया हो, मेरा पिया घर आया हो राम जी, मेरा पिया घर आया हो राम जी, मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मेरा पिया घर आया ओ राम जी। थैंक यू। अच्छा दीपाली, आपके पिता पुलिस में हैं और एक ऐसे महकमे में हैं जहां बहुत कड़ाई से रहना पड़ता है और संगीत बहुत कह सकते हैं कि मुलायम चीज है, बहुत नफासत वाली चीज है, तो पिता अब कैसे बिहेव करते हैं जब उनकी बेटी का एक अच्छा खासा नाम हो चुका है, वो अपने पैरों पर खड़ी है और ना सिर्फ पैरों पर खड़ी है बल्कि उसकी जो वो टैलेंट उसको ईश्वर ने देकर भेजा था, उस टैलेंट को ना सिर्फ उसने एक्सप्लोर किया बल्कि अब उसमें उसकी कामयाबी की जो सीढ़ियां होती हैं उसके स्टेप्स पे वो आगे बढ़ना शुरू कर चुकी है, तो किस तरह का रिएक्शन रहता है पिता माता का आपके? हाँ, बहुत सही बात है। एक्चुअली जब पापा से जब भी बचपन को याद करती हूँ मैं, तो पापा का बहुत लेना देना इसलिए नहीं था मेरे म्यूज़िक के साथ, क्योंकि मेरे पिताजी के पास टाइम ही नहीं होता था, वो पूरे दिन ऑफिस में ही रहते थे, एंड पुलिस की नौकरी सबको पता है कि बहुत ही मुश्किल है,
तो मेरे पिताजी कुडंट इन्वॉल्व हिमसेल्फ अ लॉट विद माय ग्रोइंग अप स्टेज एज अ म्यूजिशियन एज अ सिंगर, लेकिन उनको ये बातें तो पता थी ही कि ये जहाँ भी जाती है प्राइज लेकर आती है। और मेरे पिताजी का जो म्यूज़िक का अंडरस्टैंडिंग था, ये बहुत बड़ी बात है, वो एक नॉर्मल इंसान की तरह था। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताती हूँ, क्या होता था कि जब भी घर पे मेहमान आते थे तो सबसे पहला काम क्या होता है, जब आपके घर पे एक बच्चा है जिसमें किसी भी प्रकार का टैलेंट है तो माँ बाप का काम होता है बेटा गा के सुनाओ, बेटा नाच के दिखाओ। तो ये मेरे साथ भी होता था, मेरे पिताजी या माता जी, मेरी माँ स्पेशली, शी वॉन्टेड एवरी वन टू लिसन टू हियर माई वॉइस, तो मैं हमेशा गाती थी। अब मेरे पिताजी को ये बात बहुत जम गई थी कि ये लड़की को, इसको माइक की ज़रूरत नहीं है, ये गाती है तो मोहल्ले के सारे लोग एक बार में सुन लेते हैं। ये उनकी म्यूज़िक की अंडरस्टैंडिंग थी, विच मेंट, विच आई थिंक व्हाट ही मेंट इज, इफ आई सिंग लाउड आई एम अ ब्रिलियंट सिंगर, बिकॉज सुर तो उनको लगता था कि हाँ ये तो वैसे ही सुनाई दे रहा है जैसे ओरिजिनल गाना है, तो ये तो सुरीली है, बट शी इज़ ऑल्सो लाउड, तो ये खड़ी होती है भीड़ में भी तो 50-60-100 लोगों की भीड़ में बिना माइक के गा लेती है। पर जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, जैसे जैसे इंडियन आइडल हैपेंड, माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूज़िक ऑल्सो चेंज्ड, क्योंकि राइट एक्सपोजर के हिसाब से मुझे और बहुत सीखने को मिला। मुझे पता चला कि सिर्फ ज़ोर से गा ही देना टैलेंट नहीं है, आपकी आवाज़ में मॉड्यूलेशन, फील, ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी कहा कि आपको अपनी आवाज़ के थ्रू इमोशंस डालना होता है, वो मैंने भी सीखा। ये कमाल की बात है कि मुझे सिखाया गया, मुझे एक्सपर्ट्स के निगरानी में मैं रही, जावेद साहब रहे जो मुझे हमेशा सिखाते थे, जावेद अख्तर साहब, अजय अतुल सर हमारे मेंटर थे इंडियन आइडल में, वो बहुत सिखाते थे। मुझे याद है ये पिया घर आया जो मैंने अभी गाया, जब मैंने रिहर्सल किया था 2007 में, तो मुझे बोला गया था बेटा बहुत अच्छा भजन गाया तुमने, तो मेरे लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग था ये कि मेरा पिया घर आया को भजन कहकर ये लोग। That's how I learned. मुझे सिखाया गया कि हर गाने का इमोशन अलग होता है, थ्रो अलग होता है, वॉइस मॉड्यूलेशन अलग होता है। पर मेरे पापा ने ये सब कब सीखा, कैसे सीखा, मुझे नहीं पता। बस विथ टाइम, जैसे जैसे आई स्टार्टेड ग्रोइंग, आई स्टार्टेड चेंजिंग माई स्टाइल, मेरे पापा साथ में अडेप्ट करते चले गए। तो आज मेरे पापा का कान इतना पक्का है कि अगर वो सुबह ब्रश कर रहे हैं और मेरी आवाज़ आई और एक सुर गलत लगा तो वहाँ से सर ऐसे हिलाते हैं, नहीं सही नहीं गलत है, विच इज़ वंडरफुल। क्योंकि मेरे पापा को म्यूज़िक की कोई ऐसी ना समझ थी ना इंटरेस्ट था, पर अब मेरे पापा, इफ़ आई हैव टू सिंग अ सॉन्ग, अगर मुझे किसी गाने की तैयारी करनी है, जब वो तैयार हो जाता है तो मैं, माँ हमेशा से रही है इस लिस्ट में जहाँ जिसके पास मैं जाती हूँ, बट नाउ आई नो दैट यू नो द फाइनल वर्डिक्ट वेदर दिस सॉन्ग इज़ वर्किंग और नॉट, ये मेरे पिताजी से भी आ सकता है। और मेरे पापा वो नुआंसेस बता देते हैं जो मेरी माँ भी मुझे नहीं बता पाती है। सो आई थिंक म्यूजिक डज दैट, और एनी आर्ट फॉर्म अगर आप उसको बहुत शिद्दत से समझना चाहें तो वो आपको रेसिप्रोकेट करके समझाने लगती है। आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड विद माय फादर, व्हेन ही सॉ कि ये मेरा इंटरेस्ट इतना इसमें बढ़ रहा है तो उन्होंने भी सीखने की शुरुआत की। और मेरे पिताजी हमेशा ऐसे रहे हैं दैट यू नो वो हमेशा इस बात को मानते हैं कि आप, इंसान ही सब कुछ कर सकता है, तो अगर आप चाह दें तो आप किसी भी चीज़ को सीख समझ सकते हैं, वो भी वैसे हैं और हमें भी वैसा बनाया है। सो आई थिंक ही ऑल्सो हैज वर्कड वेरी हार्ड टू कि हम लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर वो आज के ज़माने में, जैसे मेरे पापा कंप्यूटर या मोबाइल चलाते हैं, मेरे पापा के जनरेशन के बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। सो दिस शोज़ कि मेरे पिताजी कितने समय के साथ कदम से कदम मिला के चलने वालों में से। सो आई थिंक पुलिस की नौकरी से आपको डिफाइन करना गलत होगा, क्योंकि किसी को भी कहते हैं ना कि चेहरा देखकर आप उनको जज नहीं करें कि वो कैसे होंगे, ठीक वही बात है कि मुझे ऐसा लगता था कि पापा पुलिस में क्या समझेंगे, पर ऐसा है नहीं, समय के साथ सब सीखते हैं, सब बदलते हैं। दीपाली, ये इंटरव्यू लगभग अब खत्म होने की दिशा में है, और खत्म करने से पहले कुछ और तराने, कुछ और नगमे, कुछ और गजलें, या कुछ जो आपको पसंद हो, जो आपको लगता है कि हमारे श्रोताओं के साथ आपको साझा करना चाहिए। Well, that's बहुत मुश्किल सवाल है ये, क्योंकि अगर आप मुझे छूट दें तो आपका ये एपिसोड बहुत छोटा पड़ जाएगा और मैं गाती ही रहूंगी। पर एक गाना जो मैं सुनाना चाहती हूँ लोगों को, ऑब्वियसली हिंदी तो बहुत सबने बहुत सुना है, मैं भोजपुरी सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि भोजपुरी के लिए जो लोगों के मन में छवि है मैं उसे बदलना चाहती हूँ। और प्लीज़ आप ये सुनकर
एक बार भोजपुरी को अपना समय दीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मेरे जैसे हजारों लोग हैं जो भोजपुरी को अच्छा और सही ढंग से आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें से एक ये गाना जो बहुत ही प्यारा सा गाना है, भिखारी ठाकुर जी का नाम आपने सुना होगा। तो भिखारी ठाकुर शेक्सपियर कहे जाते हैं भोजपुरी के, उन्हीं का लिखा हुआ एक श्रम गीत है जिसमें एक लड़की कहती है कि मैं अपने मायके की दुलारी हूँ, मैं बहुत प्यारी कोमल कमसिन सी कली हूँ, और तुम मुझे अपने ससुराल में आने के बाद अपने पति से कहती कि और तुम मुझसे ये कटिया मतलब घास कटाई का काम करवा रहे हो, तो ये मुझसे नहीं होगा, प्लीज़ अपने लिए हेल्पर रख लो, मजदूर रख लो। तो वो कैसे कहती है ये सुनिए। नैहर के दुलारोए हाय, अरे नैहर के दुलारोए हाय, अरे बड़ा सुकुमार पिया, नैहर के दुलारोए हाय, अरे बड़ा सुकुमार पिया, कटिया ना होई हमसे, कटिया ना होई हमसे, राख बनिहार पिया, बनिहार मतलब हेल्पर जो मैंने कहा, कटिया ना होई हमसे, राख बनिहार पिया, कटिया ना होई हमसे, चैत के घमावा में झुलसे बदनिया, चैत का घाम, चैत के महीने में जो धूप होता है उससे मेरा बदन झुलस रहा है, माटी में मिलल जाले सोना इस बदनिया, मिट्टी में मिलता जा रहा है मेरा जो ये सोने सा बदन है, मिट्टी में मिला जा रहा है, चैत के घमावा में झुलसे बदनिया, माटी में मिलल जाले सोना इस बदनिया, दिन दिन उतरेला, दिन दिन उतरेला चेहरा हमारे पिया, कटिया ना होई हमसे, राख बनिहार पिया, कटिया ना होई हमसे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली। और एक आखिरी सवाल कि अभी इस वक्त कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे आप काम कर रही हैं, वो चाहे एक्टिंग का प्रोजेक्ट हो, चाहे सिंगिंग का प्रोजेक्ट हो, और किस तरीके से ये जो लॉकडाउन का पूरा टाइम था उसको किस तरीके से आपने पॉजिटिव वे में बिताया, और उसमें आपका संगीत कितना सहायक हुआ, इन दो सवालों का जवाब आपसे जानना चाहेंगे। तो जो कि आपका पहला सवाल है, मैं किस दिशा में काम कर रही हूँ, जैसा कि आपने बोला कि मैं तो मुहिम छेड़ चुकी हूँ, तो डेफिनेटली आई एम वर्किंग टूवर्ड्स ब्रिंगिंग भोजपुरी गज़ल लोगों के सामने मैं लेके आने की कोशिश कर रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने नीलेश मिश्रा सर के सामने एक अपनी पहली भोजपुरी गज़ल का लाइव रिलीज़ किया था। तो मैं चाहती हूँ कि भोजपुरी के जो अलग अलग आयाम हैं, अलग अलग लोगों के जहन में जो बातें हैं, गलत बातें हैं, वो मिटे और एक सही अर्थ, सही मायने में भोजपुरी लोगों के सामने आए। ये मेरे लाइफ का एम है और डेफिनेटली इस वक्त मेरे वर्तमान का एम है, और भोजपुरी से रिलेटेड जितनी भी पढ़ाई हो सकती है मैंने शुरू कर दी है, जितना हो सकता है मैं गीत और लोकगीत पे अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। और लॉकडाउन के पीरियड को मैंने कैसे पॉजिटिवली यूज़ किया और म्यूज़िक इसमें सहायक है कि नहीं, ये एज अ सिंगर मैं जानती हूँ कि जो नॉन सिंगर्स हैं, जिनके घर में कला की कोई बात नहीं होती, कोई कलाकार नहीं है, वहाँ भी हर घर में कलाकार घुसा हुआ है, क्योंकि इस टाइम पर हम सिंगर्स, हम डांसर्स, हम एक्टर्स, हम डायरेक्टर्स, हम जितने लोग भी इस फिल्म इंडस्ट्री में हैं और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, हम सब आप लोगों की वजह से, आपके साथ, आपका लॉकडाउन एंटरटेनर्स की वजह से अच्छा कटता है, और हम तो एंटरटेनमेंट अपने ही घर पर करते हैं, अपना खुद का भी एंटरटेनमेंट। और मेरी अभी अभी शादी हुई है, तो मेरे पति जो है ऐश्वर्य निगम, ही इज़ ऑल्सो वेरी फेमस सिंगर, तो ऐश्वर्य से मुझे बहुत सीखने का मौका मिलता है, और इस लॉकडाउन में मैं समझी कि एक तरह से उनकी शिष्या भी बनी हुई हूँ। आई एम लर्निंग अ लॉट ऑफ प्लेबैक फ्रॉम हिम, म्यूज़िक सीख रही हूँ मैं गिटार सीख रही हूँ, और मेरे सास ससुर जो हैं वो बहुत ही बेहतरीन गाते हैं। अगर आप मेरे ससुराल कभी आएंगे शिवेंद्र, तो आपको समझ आएगा,
ऐश्वर्य हमेशा कहते हैं कि इस घर में कोई भी पैदा होता तो वो सिंगर होता, ये मुझे यहाँ रहकर समझ आ रहा है क्योंकि ये सत्य है। इस घर में संगीत का ऐसा माहौल है कि आप हर दिन उसी के बारे में बात करते हैं, तो आई थिंक एज अ म्यूजिशियन नाउ आई एम ब्लेस्ड। मेरे परिवार में तो था ही, अब मैं एक ऐसे परिवार से जुड़ी हूँ जहाँ मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है, और ये बात कहकर मैं एक्चुअली ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ये जो धारणा है लोगों के मन में कि हम बेटी को बढ़ने देंगे और बहू तो फिर बहू होती है, ये धारणा को मैं टूटते देख रही हूँ अपने घर पर। और मैं चाहूँगी कि आप जितने भी यंग लड़कियाँ हैं, जितनी भी लड़कियाँ हैं, वो इस बात से मत घबराइए कि मेरी शादी हो जाएगी तो मेरे आर्ट फॉर्म को बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। ज़रूर मिलेगा, और आपकी किस्मत मेरे से भी अच्छी होगी, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। अगर आप सही इंटेंशन और सही मेहनत के साथ किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो फिर जो है पूरी जो पूरा सिस्टम है वो उस फेवर में काम करने लगता है। तो आई एम वेरी लकी, मेरा लॉकडाउन पीरियड बहुत सुंदर जा रहा है, नई नई शादी हुई है तो बहुत अच्छा समय बीत रहा है, और म्यूज़िक तो है ही, और भोजपुरी ऑफ कोर्स विल बी माय ऑल टाइम टारगेट। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं और अच्छा करूँ आगे और आप लोगों को ऐसे अच्छे अच्छे गाने सुनाती हूँ। थैंक यू। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली, और बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बेस्ट विशेस कि आप यूं ही अपने सारे जो आपके व्यक्तित्व के आयाम हैं उसमें आपको क्या कामयाबी मिले। आप बिल्कुल जो सोच रही हैं, जो आपकी संगीत साधना है या जो आप अपने अभिनव को लेकर आपकी गंभीरता है उसमें ईश्वर आपको कामयाबी बख्शे, और आप यूं ही सुंदर सुरीले नगमे और अच्छे अभिनय के रोल के साथ हम सबके सामने आए, हम सबसे जुड़ी रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।